वेदिका करा बोलने ना हमारे करन धन्यवाद सर महिषा जिंदा कलाकार कृपया कर आप मंच पर आए सभी लोग जगह ले ले धन्यवाद प्रभु जी एक शाम मोहम्मद रफी के नाम आज हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हवेली खड़गपुर के परंपरा को जीवित रखने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सभी सम्मानित जितने भी व्यक्ति यहाँ हैं, मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं प्यार आभार प्रणाम। खड़गपुर नगर परिषद से आप लोगों की जो अपेक्षा है वो आप लोगों के सहयोग के बदौलत कभी पूरा नहीं हो सकता है। आज आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। मैं पूरी तरह से अब आश्वस्त हूँ कि हमारा नगर परिषद हवेली खड़गपुर अब विकास की ओर अग्रसर है। जहां तक खड़गपुर की एक परंपरा रही, ये विद्वानों की धरती है, कलाकारों की धरती है, और इसी परंपरा की एक कड़ी में मनोज कुमार रघु जी जो कि संगीत के क्षेत्र में बराबर एक्टिव रहते हैं और आज एक साहित्यकार प्रेमचंद मुंशी जो साहित्य से लगाव रखते हैं, आज उन्हें पता होगा आज उनका भी जयंती है। तो एक ही साथ हम लोगों ने मोहम्मद रफी दो हस्ती का आज हम लोगों ने माल्यार्पण कर पुष्पांजलि कर उन्हें सम्मान दिया। मैं ये हमेशा चाहूंगा कि हम लोग सभी खड़गपुरवासी एक साथ कदम से कदम ताल मिला करके आगे चलें, तभी हमारा हवेली खड़गपुर स्वस्थ सुंदर और बढ़िया दिखेगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस तरह के इवेंट, इस तरह के प्रोग्राम अब आपके हवेली खड़गपुर में हमेशा आयोजित होता रहेगा, चाहे वो जिस भी स्तर का हो। आगे और सारे प्रोग्राम करने की हम लोगों का तैयारी चल रहा है। जैसे साहित्य में जो लोग रुचि रखते हैं, जो लोग कवि हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में हैं, जो पर्यावरण को सुरक्षा दे रहे हैं, वैसे उन विभूतियों को नगर परिषद हवेली खड़गपुर की ओर से सम्मानित किया जाएगा। ये आगे हम लोग कार्यक्रम रखने वाले हैं। आप सबों का सहयोग और प्यार निरंतर हमें मिलता रहे, ये मेरी गुजारिश है आप सबों से। तो मनोज कुमार रघु जी, कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाते हुए और इस कार्यक्रम का आगाज करें, और हमारे जितने भी म्यूजिशियंस हैं आए हुए, इतने अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हैं, हमारी मुलाकात पहली दफा हो रही है, तो आप सबों को भी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। खड़गपुर क्षेत्र में आप आए हैं, असुविधा के लिए खेद है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोगों को थोड़ी सी भी असुविधा नहीं हो। धन्यवाद, आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आमंत्रण दे रहा हूं चैंबर के अध्यक्ष दो शब्द रखने का काम करें। मुंगेर चैंबर ऑफ कॉमर्स शाखा हवेली खड़गपुर एवं नगर परिषद हवेली खड़गपुर के संयुक्त तत्वधान में आयोजित एक शाम रथी के नाम कार्यक्रम में मुंगेर चैंबर ऑफ कॉमर्स शाखा हवेली खड़गपुर में उपस्थित चैंबर के सदस्यों, दर्शकों एवं संगीत प्रेमियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम को सजाने में सहयोग करने वाले मुख्य पार्षद प्रभु शंकर जी, चैंबर उपाध्यक्ष रेखा सिंह चौहान, सचिव नीरज शाह, खड़गपुर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक कुमार जी का मैं बहुत बहुत आभारी करता हूँ। रफी साहब के लिए
गीतकार नौशाद की दो पंक्तियां दोहराना चाहूंगा। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ी में भी गरीबों के तेरी आवाज है। इन्होंने 1940 से 1980 के बीच 5000 से भी अधिक गानों को स्वर दिया। शायद आपको ज्ञात नहीं हो, इन्होंने गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देवानंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, गायक अभिनेता किशोर कुमार के गाने गाए। इस कार्यक्रम के मैं मुख्य पार्षद प्रभु शंकर जी से हवेली खड़गपुर शाखा चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष होने के नाते अनुरोध करना चाहूंगा कि खड़गपुर की जनता ने आप पर भरोसा जताया। जनता एवं चैंबर की ओर से मांग है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त कर स्वच्छ खड़गपुर, स्वस्थ खड़गपुर बनाने में योगदान दे। जनता की मुख्य मांगे है कि हर घर नल जल योजना को सुदृढ़ करते हुए यातायात सुविधा को सुगम बनाने का सहयोग करें। जय चैंबर ऑफ कॉमर्स। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब कार्यक्रम का जो विधिवत उद्घाटन था वो हो चुका, अब कार्यक्रम तो हम लोग शुभारंभ करेंगे। मगर भी इंसान का किरदार कभी मर सकता नहीं, मगर भी इंसान का किरदार कभी मर सकता नहीं, एक मुसफिर का शाहकार कभी मर सकता नहीं। दुनिया को मालूम हो गया है, दुनिया को मालूम हो गया है रफी साहब की मौत के बाद अगर फन जिंदा है तो फनकार कभी मर सकता नहीं, फनकार कभी मर सकता नहीं। आइए आपके बीच, अब जो हमारे बीच जो चलकर काफी दूर से इस मंच का वो उद्घोषक है, मंच का पूरे कार्यक्रम का सिरमौर है, जिनके माध्यम से आज का यह पूरा कार्यक्रम संचालित होगा, मैं आमंत्रण दे रहा हूं। आप हैं मनोज भारती। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। मंच पर ध्वजासन करने के लिए भाई मनोज कुमार रघु साहब। लेकिन इससे पहले हम आप तमाम अतिथियों के साथ साथ खड़गपुर को प्रणाम करना चाहूंगा, एहतराम करना चाहूंगा और मोहब्बत भरे नजराने आप सबके नाम करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे बीच मुख्य पार्षद महोदय, हमारे बड़े भाई साहब यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ खड़गपुर थाना प्रभारी महोदय हैं, हमारे कॉमर्स कमेटी के हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं और भी कई गणमान्य व्यक्ति हैं, उन सबों के लिए चाहूंगा जोरदार तालियां आपकी ओर से बननी चाहिए, उनके सम्मान बननी चाहिए। आज इन लोगों के अथक प्रयास से ये एक शाम रफी साहब के नाम कार्यक्रम का प्रारूप तैयार हुआ है, इसलिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तमाम कलाकारों की ओर से आपको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ अभिनंदन करना चाहता हूँ। और एक तालियां में चाहूंगा इसलिए कि हमें आज्ञा दे दीजिए ताकि मैं कार्यक्रम का शुरुआत कर सकूं। एक और हमारे शंभु साहब विशेष आभार आपका व्यक्त करना चाहूंगा इसलिए कि आप लोगों ने मिलकर जो आज ये व्यवस्था बनाई है, इस मंच के माध्यम से बहुत कुछ बोलने का आज मुझे मौका मिला है, वरना शादी के बाद तो मुझे सुनना से पड़ता था। आज ये शाम रफी के नाम बेशक है
लेकिन आज हंसी मजाक हास्य व्यंग भी होगा, लेकिन आइए आपकी तालियां मिली है आज्ञा के स्वरूप आज्ञा मिल चुकी है। कार्यक्रम आगाज करना चाहूंगा, शुरुआत करना चाहूंगा ये कहते हुए कि मुबारक मौके पर आई बड़ी प्यारी शाम है, लबों पे तरसते गीत और हाथों में संगीत का जाम है। मुबारक मौके पर आई बड़ी प्यारी शाम है, लबों पे तरसते गीत और हाथों में संगीत का जाम है। आवाज की दुनिया के दोस्तों को भूल फरमाना नाची उद्घोषक एम के भारती का आपकी खिदमत में सारे प्रणाम है। कि बेखुदी जब हद से गुजर जाएगी गीतों भरी महफिल से भर जाएगी, कि बेखुदी जब हद से गुजर जाएगी गीतों भरी महफिल से भर जाएगी और वहीं पर शाम हो जाएगी जाने गजल जहां भी तेरी जुल्फी बिखर जाएगी। आज की शाम आपको आप चाहने वालों के नाम करना चाहूंगा, लेकिन वो घड़ी वो पल हम नहीं भूल सकते कि आज के दिन हमारे नबी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए थे और इसके खातिर आज आप सब ने एक शाम नबी साहब के नाम रखा है। इस मौके पर इनकी शान में दो लाइनें पेश करना चाहूंगा और ये दो लाइन पेश करते हुए कार्यक्रम का आगाज करना चाहूंगा। कहते हैं हर किसी का हर एक शख्स का साकार किरदार नहीं होता, हर एक शख्स यहां सुपर स्टार नहीं होता और हर किसी को नहीं मिलती शोहरत, हर किसी को यहां नहीं मिलती शोहरत और हर कोई रफी साहब जैसा फनकार नहीं होता। और वो इसलिए था कि कहते हैं कि खुशी के पल हो या गमगीन लम्हे, कि खुशी के पल हो या गमगीन लम्हे, या तड़पते दिनों की दास्तान हो या दो दिनों की मोहब्बत भरी अफसाने, मोहम्मद रफी साहब की आवाज हर रंगों में साकार है। इसीलिए तो कहते हैं बेशक आज रफी साहब हमारे बीच नहीं है पर रहती दुनिया तक उनकी अमर आवाज इस फिजा में गूंजती रहेगी, इस वादियों में गूंजती रहेगी। और आइए इस खातिर कई ऐसे शख्सियत को इस मंच पर बुलाया गया है। पहला जाम आपके नाम पेश करना चाहूंगा मोहम्मद रफी साहब के एक मीठे नगमे के साथ और वो शख्सियत आज आपके बीच अपने जौहर अपने प्रस्तुति के बदौलत आप तमाम चाहने वालों के दिलों से जुड़ना चाहते थे और आप हैं भाई मिस्टर नवीन शर्मा जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, हेलो Thank you.
Yeah.
उस पद से रिटायर कर चुके हैं, अवकाश प्राप्त कर चुके हैं और
ताजगी आज भी वही है, संगीत के प्रति अंदाज वही है। भाई सर स्वागत है आपका। आप सभा की खिदमत में चंद्रमोहन पाठक का प्यार भरा नमस्कार है। सबसे पहले मैं हवेली खड़गपुर की इस पावन मिट्टी को प्रणाम करता हूँ। प्रकृति के गोद में सजी हुई ये धरती आज भी कला, संस्कृति, धर्म और देश सेवा के प्रति अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा। और उसके बाद मैं परम रफी साहब एक ऐसी शख्सियत है जो युग में पैदा होते हैं, अवतारी पुरुष इनको माना जाए और साथ ही साथ आज जन्म जयंती है मुंशी प्रेमचंद जी, इनके बारे में क्या कहा जाए। कितने भी साहित्य विधा के लोग हैं, कहां भी हो अथवा और भी कोई संस्मरण हो, मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। और रफी साहब ठीक कोई दूसरे रफी साहब नहीं आ सकेंगे, क्योंकि रफी साहब मेरे दादा गुरु हैं। मैं महेंद्र कपूर जी के नक्शे कदम पर चलता हूँ और महेंद्र कपूर जी शागिर्द थे रफी साहब के, इसलिए ये हमारे दादा गुरु हुए तो मैं पहले इनके लिए रफी साहब तू अमर रहे, मुख्य पार्षद कर्मयोगी, मैंने जब यहाँ हमारे दोस्त हैं रघु बाबा पुराने दोस्त हैं और मैं जब यहाँ आया तो इस कर्मयोगी को नगर पार्षद के जो मुख्य पार्षद हैं प्रभु शंकर बाबू को देख के मैं बड़ा ही आह्लादित हुआ। और इसके अलावा यहाँ और भी जितने हवेली खड़गपुर को उन्नयन में सहायक जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुंगे हवेली खड़गपुर शाखा, इनके भी जितने सम्मान्य सदस्य हैं या जो भी इनके वरिष्ठ पदाधिकारी हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वाकई ये हिस्टोरिक कार्यक्रम है, ये हिस्टोरिक सिग्नेचर है, इसलिए मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ और रफी साहब को हृदय से श्रद्धांजलि करता हूँ। और उनकी जन्म जयंती पर ढेर सारी बधाइयाँ हैं। मैं भैया अपना परिचय देता हूँ, मेरा परिचय नहीं है, आपका भी है, उनका भी है, उनका ही है, तमाम भारतवासियों का परिचय। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनते आए, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। सभ्यता जा पहले जन्म पहले बन पीते नहा पे करना अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। चुप हो गए और वो Oh, 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 oh
आप सम्मान के हकदार हैं बिल्कुल। एक बात कहना चाहूंगा आपके लिए, लेकिन भाई साहब एक गीत की फरमाइश कर चुके हैं अभी कुछ देर पहले, हमारे रघु साहब ने एक शेर कहा था, आज आपकी आवाज को सुनने के बाद मैं दोहराना चाहूंगा उस शेर को। वो कहते हैं कि मरकर भी किसी इंसान का किरदार मर सकता नहीं, एक साहकार का तसव्वुर कभी मिट सकता नहीं। कि मरकर भी किसी इंसान का किरदार मर सकता नहीं, एक साहकार का तसव्वुर कभी मिट सकता नहीं। और हो गया है मालूम इनको देखने के बाद, धन अगर जिंदा है तो फरकार मर सकता नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। आइए एक और सुनते हैं इनके माध्यम से। देखिए मनोज साहब, मैं फिर आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपने दादा गुरु के लिए दो शब्द। बिल्कुल बिल्कुल, फिर मैं आऊंगा। बताइए तो अरे पुराना गीत है उनका। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए पुकारा, शहर गाता बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए पुकारा, शहर Thank you.